हेलो फ्रेंड, डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम सिट्रिजिन ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं। जो सिट्रिजिन जो ड्रग होता है वो किस किस काम में आता है, इसके यूजेस मतलब, और इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, और इसको कब नहीं लेना चाहिए इस ड्रग को, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सिट्रिजिन के बारे में बात करते हैं कि सिट्रिजिन जो ड्रग होता है वो एक एंटी हिस्टामिन ड्रग होता है। किसी भी प्रकार की आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तब भी आप सिट्रिजिन ड्रग को ले सकते हैं। आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, आपको किसी प्रकार की एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको खुजाल की प्रॉब्लम हो रही है, किसी प्रकार की खुजली हो रही है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर रिनाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, जो मौसमी तरीके से आपको किसी प्रकार की एलर्जी की प्रॉब्लम होने लगती है, उसमें भी आप सिट्रिजिन यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई एक्जिमा के कारण आपको खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको फंगल के कारण आपको खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो ये जेटेक के नाम से आती है, एलर्जिन के नाम से आती है, एलर्ट के नाम से आती है, और सिटजिन के नाम से आती है। काफ़ी कंपनियां सिटजिन ड्रग को बनाती हैं। और सिट्रिजिन ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसको डिजीनेस की प्रॉब्लम होती है, जो चक्कर की प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं, क्योंकि इसको लेने के बाद में थोड़ी सुस्ती टाइप की आने लगती है, चक्कर टाइप के आते हैं, और हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किसी प्रकार की मुंह सूखने की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चिड़चिड़ाहट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं आपको। और यदि आप इसको 6 माह से कम के बच्चों को इसको नहीं देना है, उससे ऊपर वाले बच्चों को ही देना है आपको। ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है और सिरप फॉर्म में भी आती है। बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में आती है, मैंने बताया आपको, 6 माह से नीचे वाले बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है सिरप को। और ये जो टैबलेट आती है ये 10 mg में आती है, और तो काफ़ी कंपनियों की आती है। तो आप किसी भी कंपनी की, जो अच्छी कंपनी है, जो मैंने नाम बताया, वो किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, और सिट्रिजिन टैबलेट को आप ले सकते हैं। और लेने से पहले एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको इस टैबलेट को लेना है तो एक बार अपने जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, मैं वैसे भी हर वीडियो में बताता हूँ कि जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, आपके मिलने वाले जो डॉक्टर होते हैं जिनको आप दिखाते हैं, उनको एक बार ज़रूर दिखाएं, या फिर डॉक्टर की सलाह से ही लें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके मिलने वालों में, आपके दोस्तों में, ताकि इस सिट्रिजिन के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।